कैमरा मैंने एडजस्ट कर लिया जी, टमी भी एडजस्ट हो गई। सो लेट्स सी कौन कौन हमें ज्वाइन करता है थोड़ी देर तक। हम मुझे उसूलन सुबह आना चाहिए लेकिन मैं मॉर्निंग को फ़िलहाल ऑनलाइन नहीं आ पा रहा ड्यू टू मैनी रीजन्स, बट कोई बात नहीं, आई विल डू माई बेस्ट टू कम इन द इवनिंग मॉर्निंग्स। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 11 अगस्त 2022 है, दिस इज़ फ्रेंड्स। आज की लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर हम एज ऑलवेज जो है डॉलर के ऊपर बात करेंगे, US डॉलर, पाकिस्तानी रुपये के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की देखेंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, और नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे एक अच्छे पाकिस्तानी स्टॉक की और उसकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है ना आपके लिए, ये पार्ट वन है। आप इस वक्त इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे लाइव ब्रॉडकास्ट में, बट लेटर ऑन मैं इसी को डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। जो पार्ट टू है उसके अंदर मैं जो स्टॉक डिस्क्लोज करूंगा आज, उसकी टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल पैटर्न्स वगैरह सब जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। तो गिव मी फ्यू मिनट्स, और अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। हम लाइट कॉइन को भी आज कवर करेंगे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट कॉइन एज वेल, क्योंकि मेरा जो कोर और प्राइमरी फोकस है वो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी है बनिस्बत अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फील फ्री टू आस्क। मैं नूरुल अमीन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओसामा साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जी। चलें सो वे भेजते हैं। तो गिव मी फ्यू मिनट्स, जब तक मैं आप लोगों के लिए चार्ट्स लोड कर लेता हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। तो लेट्स ओपन KSE 100। अच्छा, अगर आपको वाकई दिलचस्पी और आप ऑलरेडी मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके कुछ ट्रेडिंग बैकग्राउंड, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप forexfactory.com पे भी जाके सब्सक्राइब कर लें। जो भी ग्लोबली इकोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं अमेरिकन डॉलर के रिलेटेड, वो वहाँ पर मेंशन होते हैं। और अमेरिकन न्यूज़ आप लोगों के लिए, आप बेशक पाकिस्तानी हो या आपका ताल्लुक जो है इंडिया से भी है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग और वेट रखता है। अगर अमेरिका को छींक भी आती है ना तो पूरी दुनिया को नज़दा लगता है। अमेरिकन डॉलर्स जो हैं साथ तमाम ग्लोबली गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं टू मेक देयर फॉरेन ट्रेड्स, टू डिसाइड देयर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, तो इट्स गुड टू बी इन टच विद दैम। अमेरिकन डॉलर अगर स्ट्रेंथ गेन करता है, बाकी जितनी भी करेंसीज हैं काउंटर, वो ड्रॉप कर देती हैं। अगर अमेरिकन डॉलर में वीकनेस आ जाती है तो बाकी सब करेंसीज जो हैं ऊपर की तरफ पुश करती हैं। तो कल जो ना मार्केट के अंदर कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था CPI का, तो वो नेगेटिव आया जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा कोलैप्स कर गया, उसमें गिराव आया एंड डॉलर की कदर में, कीमत की कदर में कमी आई एंड पाकिस्तान रुपी डिड गुड। और पाकिस्तानी रुपी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस वक्त IMF का वेरी सून जो है एक्सपेक्टेड है लेटर आ जाएगा जिससे इनको $1 billion या $2 billion की सपोर्ट मिलेगी, विच विल बी यूज्ड बाय द कंट्री टू सॉल्व देयर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होंगी, वो तो हम लोगों ने मिलकर करनी है, टैक्सेस पे करके, यू नो, बिल्स पे करके, वी कैन डू दैट इंशाल्लाह। तो लेट्स वॉच क्विकली, मैं आपको डॉलर इंडेक्स वैसे ही दिखा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स के ऊपर बुल चैनल आया हुआ था, इट वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और काफ़ी अरसे से आ रहा था, यानी पिछले 10-20 साल का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था डॉलर का रेट का, इट हैड ब्रोकन। एंड मैं सबको बोल रहा था कि ये अभी टेम्प्ररी है, कुछ महीने लग जाएंगे, इट विल डू दैट, बट आफ्टर दैट इट विल रीस्टोर इमीडिएटली। करेक्शन का आना, पुल बैक का आना बिल्कुल ज़रूरी है। सो लेट मी शो यू, अभी हम डेली चार्ट बस देखेंगे, ग्लिम्स करना हमने। ये देखें, ये बुल चैनल था डॉलर के ऊपर, आप देख रहे हो। तो ये जो नीचे चैनल्स की जो नीचे वाली लाइन होती है ना, ट्रेंड लाइंस, ये सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है। सपोर्ट लाइन टूट गई है और आप इन पैरेलल देखें कि रेड कैंडल्स की तादाद जो है बढ़ना शुरू हो गई, यानी जो इंस्टीट्यूशनल क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्लोबल सतह पे ट्रेड करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अर्निंग द डॉलर सो मच। ऑलमोस्ट डॉलर आप यहाँ पे देखें 109 पे गया, 104 पे आ गया, तो विच इज़ गुड। अब आप देखें कि इसका पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर भी बड़ा मुस्बत जो होता है ना असर पड़ेगा,
बड़ा पॉजिटिव आएगा. लेट मी लोड द यूएसडी पीकेआर चार्ट फॉर यू, मैं आपको दिखाता हूँ. अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तानी रुपी अच्छी मजबूती पकड़ सकता है, उसके पीछे दो रीजंस हैं. पहली चीज़ जो आईएमएफ लोन देगा, ठीक है, टैकल करने के लिए जो पिछली किस्त हमने देनी है उसको पे करने के लिए. दूसरी चीज़, ऑलरेडी डॉलर मजीद फर्दर डिक्लाइन कर रहा है, तो दिस इज़ गुड. अब आप देखें ये जी, आपके लिए मैंने यूएसडी पीकेआर का चार्ट लोड किए, आप देखिए काफ़ी दिनों से जो है उसमें ड्रॉप आ रहा है. 240 रुपये पर चले गया था और अब 219 पे अभी भी डिक्लाइन चल रहा है. कल जो लो थी ना, वो कल की लो भी टूट चुकी है. अगर मैं मेजरिंग टूल इस्तेमाल करूँ, 240 से लेकर यहाँ तक खींचूँ, ऑलमोस्ट 8% ड्रॉप आया, विच इज़ रियली नाइस. तो एज पाकिस्तानी हमारे लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यूएसडी पीकेआर के ऊपर, ठीक है. एक्सक्यूज मी. अच्छा, तो आज जो हमने स्टॉक डिस्कस करना है ना, उसका नाम है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड. इट्स एन ऑयल एंड गैस सेक्टर का ये शेयर है. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, कल एक बड़े नामवर यूट्यूबर ने इस चीज़ को मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर आपको ऑयल सेक्टर या ऑयल कंपनीज पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो ग्रोथ आती है वो जो सालाना इन्फ्लेशन होती है उसको कवर नहीं कर पाती, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आलमी सतह पर बहुत वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएशन बहुत है. कभी ऑयल 40 का हो जाता है डॉलर बैरल, $40 पर बैरल, $60 पर बैरल, और कभी $100 पर बैरल. तो एक ट्रिक है. अब मैंने चार्ट्स को एनालाइज की है पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज को, तो मुझे इतने कोई बुरे नहीं लगे. आई थिंक इट्स टोटली फाइन. मैं उन रिस्पेक्टफुल यूट्यूबर के साथ डिसएग्री तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तो लाइक पार्शली आई डिसएग्री. लेकिन एक ट्रिक जो मुझे पता चला है, वो कुछ मेरी ये अपनी पर्सनल असेसमेंट है, वो कुछ यूँ है कि अगर आप देखें कि जो ऑयल की प्राइस डॉलर्स में अगर गिर रही है, और अगर वो 90 या समझ लें 80-70 डॉलर से नीचे है, तो वो टाइम शायद बेहतर हो, शायद नहीं, मैं कहूँगा वो टाइम बेहतर होगा कि आप ऑयल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें. क्योंकि वहाँ से फिर अगर ऑयल सस्ते में 60 पे आ गए डॉलर्स अ बैरल, $50 अ बैरल या $70 अ बैरल, फिर उसके बाद जब बेचेंगे ऑयल कंट्री के अंदर, दे विल मेक रियली नाइस सरप्लस एंड गुड प्रॉफिट्स. तो लेट्स गो टॉक अबाउट पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स. ज़बरदस्त कंपनी है, मज़े की कंपनी है, हमारे अपने मुल्क की कंपनी है, इसकी अच्छी ग्रोथ है. ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अच्छी है, मीडियम टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग. और ज़बरदस्त बात यह है कि ये लोग डिविडेंड्स भी देते हैं. तो अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट आपको 2016 से चार्ट नज़र आ रहा होगा. मैं वीकली चार्ट की तरफ स्विच कर लेता हूँ, लेट्स ओपन अ वीकली चार्ट, ठीक है. ये जो डी आपको नज़र आ रहे थे ना डेली चार्ट के अंदर, ये देखें चार्ट के ऊपर डी आ रहे हैं, ये डी डिविडेंड्स हैं. यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट 20 रुपये का डिविडेंड दिया है, ठीक है ना, 20 रुपये का डिविडेंड, और उस वक्त ऑलमोस्ट 380 रुपये का वो था शेयर की प्राइस. बट द कूल पार्ट इज कि 20 रुपये इज़ लाइक 8% ईयर रिगार्डलेस ऑफ द कैपिटल गेंस, ठीक है ना. हम अब वीकली चार्ट पे चलते हैं. अब वीकली चार्ट को देखें कि देखें इसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी भी है, ड्रॉप आया है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे, यू नो, यू वुड हैव रिकवर्ड. आप ब्रेक इवन पे भी आ जाएंगे, प्लस नीचे से भी आप जो शेयर्स अगर आपने नीचे से उठाएंगे उनके ऊपर भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट आ जाएगा. सो दैट्स हाउ इट इज़. इट लुक्स क्वाइट स्टेबल, साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है, मे बी ग्रोथ ना है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं इसके अंदर, आई थिंक इट बी समथिंग रियली गुड. तो हमारे स्टॉक ट्रेडिंग का भी कोर्स है, और स्टॉक ट्रेडिंग का जो कोर्स है वो आलम अख्तर साहब लीड करते हैं. ही इज़ इन पाकिस्तान, अमेजिंग इंस्ट्रक्टर, का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है पाकिस्तान फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर. तो ये जी पाकिस्तान ऑयल कंपनी, ऑयल फील्ड्स, इट्स अ गुड स्टॉक, नॉट बैड. साइडवेज मार्केट ज़्यादा होती है, 1-2% अगर कोई बंदा पिक कर सकता है, इट्स रियली रियली नाइस. तो अब इस ब्रॉडकास्ट को हम करेंगे एंड, वी विल क्लोज द ब्रॉडकास्ट. वीडियो हो जाएगी अपलोड एज पार्ट वन. पार्ट टू के अंदर मैं आपको यहाँ पर इसी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के चार्ट्स के ऊपर जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टारगेट लेवल एक्सपेक्टेड मूवमेंट है वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा. थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. आई होप इट हेल्प्स. टेक केयर एंड सी यू इन पार्ट टू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.